दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल क्लिनिक गुरु नानक अपार्टमेंट शानू मेडिकल के पास अशोक चौक नागपुर। नागपुर के हिंगना शहर के श्री कृष्ण नगर में मामूली सी बात पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही जुआ अड्डा और गांजा की अवैध बिक्री किया करते थे। आरोपी दीपक की पत्नी के चरित्र के बारे में कुछ बात को लेकर हुए वाद विवाद के बाद आरोपी दीपक घनचक्कर ने अपने कुछ साथियों की मदद से अशोक घुमड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी। सर, काल आपल्या हद्दीमध्ये घटना झालेली आहे, काय सांगाल? पोलीस स्टेशन हिंगना हद्दीमध्ये श्रीकृष्ण नगर येथे दीपक उर्फ खट्या याच्या घरी एक बुलेट फायरची घटना घडली आहे। त्यामध्ये अविनाश घुमडे हा व्यक्ती मयत झालेला आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन हिंगना येथे कलम 302 तसेच IPC चे इतर कलम 325 गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये आरोपीने अग्निशस्त्राचा वापर केला असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आलेले आहे। सर, एकंदरीत हत्या कोणत्या कारणावरून झाली होती, काही कल्पना किंवा काही माहिती होती? प्राथमिक तपासात आरोपीच्या पत्नीच्या संबंधी चारित्र्यावर संशय घेतल्याच्या कारणावरूनच झालं असल्याचं प्राथमिक तपासात दिसून येत आहे। अधिक तपास सुरू आहे त्याबाबत। सर, गुन्हेगारी वृत्तीचं काही बोलू? यामधल्या आरोपी दीपक घनचक्कर याच्याविरुद्ध गुन्हे आहेत दाखल, त्याचं क्राईम रेकॉर्ड आहे, बाकी पुढील तपास सुरू आहे। मृतक अविनाश घुमडे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके एक साथी दीपक घनचक्कर को गिरफ्तार किया है। मृतक अविनाश घुमडे और आरोपी दीपक घनचक्कर दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। रविवार की रात करीब 11 बजे हुई इस हत्या की घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आरोपी दीपक को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल जारी है। चेंज किया गया।